एक बार विजयनगर में कई दिनों तक बारिश ही होती रही। लोग बहुत परेशान थे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात्। अरे ये तो ये क्या है? प्रार्थना ईश्वर से बारिश रोकने के लिए। मेरा रसम गिरा दिया। विजयनगर में सिर्फ राजू ही नहीं, और भी लोग चाहते थे कि ये बारिश रुके। बस अब उन्हीं में से एक था छैनी प्रसाद, विजयनगर का मूर्तिकार। अब बारिश में मूर्ति तराशने के लिए उसे पत्थर कहाँ से मिलते? सो उसने घर में मिले पत्थरों को ही तराशना शुरू कर दिया। वाह! अरे कहाँ गया मेरा पत्थर? यही तो रखा था। हाँ, कहाँ गया पत्थर? जरा हटो तो। अरे हुआ क्या है भाग्यवान? मेरा चटनी पीसने वाला पत्थर देखा तुमने? मुझे कैसे पता हो सकता है? इसकी भी मूर्ति बना दी, अब मैं चटनी किससे पीसूं? बात कर रहे हो? राजू की प्रार्थना का असर बोले या छैनी प्रसाद के इंतजार का। बारिश रुकी। विजयनगर का खुला आसमान बारिश के कहर की कहानी कह रहा था। बारिश रोकने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने जब राजू मंदिर के लिए निकला तो नदी किनारे उसने वो देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। चमत्कार! हे ईश्वर, हम विजयनगर वासियों का संकट हटने के बाद उन्हें आशीर्वाद देने आप स्वयं आ गए। जय हो, मैं सबको बताऊंगा। ये नहीं, ये भी नहीं, एक भी पत्थर मेरे काम का नहीं है। हे ईश्वर, ये अन्याय है। ईश्वर आ गए, ईश्वर आ गए। बड़ी जल्दी न्याय कर दिया प्रभु। कितना अच्छा सपाट पत्थर है, इसकी मूर्ति तराशने में तो मजा ही आ जाएगा। अभी अपनी छैनी हथौड़ी लेकर आता हूँ। जिस पत्थर में राजू को ईश्वर दिखे उसी में छैनी प्रसाद को मूर्ति बनाने का पत्थर। लेकिन ये सिलसिला यूं ही रुकने वाला नहीं था। मैं तो थक गया हूँ, जा तू भी थोड़ा आराम कर ले। वाह, इतना सपाट पत्थर है, क्यों ना इस पर थोड़ा आराम किया जाए। वाह, मुझे नींद आ गई थी। क्यों नहीं आएगी, इतनी बढ़िया जगह है और उस पर इतना सपाट पत्थर। ये जगह तो मेरे व्यापारी मित्रों की भी सारी थकान मिटा देगी। उन्हें बताता हूँ। अरे रे रे, रुको, रुक जाओ, पहले मूर्ति को तराश तो लेने दो, उसके बाद रंग भरेंगे। ये रंग नहीं है, हल्दी कुमकुम है। कितने पापी हो तुम, स्वयं ईश्वर प्रकट हुए हैं और तुम्हें दिख नहीं रहे। अरे भाई, प्रकट कैसे हो सकते हैं जब तक मैं अपनी छैनी हथौड़ी चलाऊंगा नहीं। रुको! अरे भाई,
झगड़ा कहीं और करो, हमें तो यहाँ आराम करना है। क्या तकलीफ है जी आपको? अरे भास्कर, मैं हूँ मन्नू। ये सब तुमने किया है? कहाँ चढ़े जा रहे थे मेरे ईश्वर पे? अरे ये मूर्ति बनाने का पत्थर है, कोई चार पाई नहीं है। तुम अपनी नाक मत डालो बीच में। ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए है। नहीं, ये मेरे ईश्वर है। ये मेरा पत्थर है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा है। ये ना तुम्हारा है ना ये तुम्हारा है, ये मेरा है। मेरे हाथ। सब रुक जाओ। भाईचन, ये लोग कौन हैं? कबीले के लगते हैं। हम राजा विद्याधर के सैनिक हैं। हटो पीछे, हमें ये रास्ते में आया हुआ पत्थर हटाना है। मैं देखता हूँ कैसे तुम मेरे ईश्वर को हटाते हो। ये मेरा मूर्ति तराशने का पत्थर है, अगर राजा से शिकायत कर दूंगा तो याद रखना क्या होगा। हम भी व्यापारी हैं, राजा की धौंस किसी और को देना। हटाओ अपनी मूर्ति, कहीं और जाकर बनाओ। ये हमारे आराम के लिए है। अरे ये पत्थर मेरा है, समझे? ए केशव, हमारे ईश्वर के ऊपर कपड़े धो रहा है। लेकिन कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? देखो, ये हमारे आराम करने की जगह है। हट यहाँ से। कैसा आराम? ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए है। मूर्ति? आराम करने की जगह? ईश्वर? अरे ये मेरा कपड़े धोने का पत्थर है। क्या? बारिश के कारण मिट्टी जम गई होगी, बस इसीलिए आपको गलत फहमी हो गई। बोल तो ऐसे रहा है जैसे नाम लिखा हो इस पर इसका। नाम? हाँ। क्यों, देख लिया? चलो जाओ, मुझे राजमहल के कपड़े धोने हैं। तो केशव ने आकर कपड़ों के साथ उन सारे लोगों के अरमान भी धो डाले, है ना? वाह अम्मा, क्या मजेदार स्टोरी थी। उस पत्थर को लेकर तो सबका अपना अपना अलग नजरिया था। बिल्कुल सही। और अंत में निकला क्या? धोबी का पत्थर। विजयनगर विश्रामशाला राहगीरों में बहुत फेमस थी। विजयनगर के रास्ते आने जाने वाले व्यापारियों के लिए रुकने और भोजन करने की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती जगह यही थी। क्या हुआ? ये विश्रामशाला इसी बिमलेश की थी। लगता है बैलगाड़ी का पहिया अटक गया है। ए, रुको रुको, मैं अभी आता हूँ। लोगों की मदद करने में वो सबसे आगे रहता था। धन्यवाद बिमलेश। भास्कर भाई, आप भोजन करके आराम करो, मैं इस रास्ते का कुछ करता हूँ।
भलाई के इस काम में बिमलेश को अपने भाइयों का भी बहुत साथ था। वाह बिमलेश भाई, इस रास्ते को बनाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया। संभल कर भाई, फिर आना है। लोगों की सेवा करते बिमलेश के दिन हंसी खुशी कट रहे थे। और एक दिन विमलेश की विश्राम शाला में एक आदमी आया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत दूर से आए हुए लगते हो भाई, विश्राम शाला में भोजन प्रसाद पाकर आराम क्यों नहीं करते हैं? वहाँ तो पहले ही बहुत लोग हैं। थोड़े आराम के बाद मैं आगे कोई और ठिकाना ढूंढूंगा। विमलेश से ये देखा नहीं गया कि कोई मुसाफिर उसके विश्रामशाला से बिना भोजन और आराम करे जाए। विश्रामशाला में नहीं, लेकिन उसके घर में तो जगह थी। ये चने आपके लिए। लगता है इनको बहुत अच्छा लगा। आप चलिए अंदर। और ये रहा आपका भोजन। इतने अच्छे पकवान देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई। भूखा क्या मांगे दो रोटी, यहाँ तो उसे मिले कई तरह के पकवान। फिर क्या, मुसाफिर जुट गया खाने में। भरपेट भोजन के बाद मुसाफिर और उसका घोड़ा दोनों तरोताजा होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। अति स्वादिष्ट भोजन और सत्कार के लिए धन्यवाद भाई। तुम बहुत सरल और सहृदय हो। तुम्हें कोई चिंता या परेशानी हो तो बताओ मुझे। चिंता परेशानी नहीं तो मुझे किस बात की चिंता होगी हैं? मेरा भरा पूरा परिवार है, दो भाई हैं, हम सबके बच्चे साथ में खेलते हैं। ये विश्राम शाला है जिसमें लोगों की सेवा करके मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। ओह, तो तुम ऐसे अपने दिल की बात नहीं कहोगे। रुको। गम है हम नहीं किसी का गम। यमराज, प्रभु आप यहाँ कैसे, यहाँ क्यों? डरो मत, मैं कभी कभार पृथ्वी लोक भ्रमण करने आता हूँ। अब तो तुम भी मुझे जान चुके हो, बताओ तुम्हें क्या चिंता है? बिमलेश ने बताया कि उसे अपने परिवार की चिंता थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। इसके साथ ही वो अपनी विश्राम शाला को और बड़ी बनाना चाहता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुसाफिरों की सेवा कर सके। तथास्तु, तुम भले इंसान हो बिमलेश, तुमने बिना मेरा परिचय जाने मुझे भोजन कराया, मेरे आराम की व्यवस्था की। जीवन और मृत्यु अटल है, मैं स्वयं भी उन्हें रोक नहीं सकता, परंतु तुम्हारी सेवा के बदले इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंतिम पड़ाव में जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा उसके पहले तुम्हें कुछ संकेत दूंगा। उससे पहले तुम अपने परिवार और लोगों की सेवा के लिए जो चाहो कर सकते हो। धन्यवाद प्रभु। यमराज से आश्वासन मिलने के बाद अब बिमलेश की कोई चिंता नहीं बची। वो पूरे मन से अपने परिवार के लिए जो कर सकता था करने में जुट गया। भैया, विश्राम शाला में अब जगह कम पड़ने लगी है, हमें कुछ और कमरों का प्रबंध करने की आवश्यकता है। तुम विश्राम शाला का विस्तार करो और इसका पूरा प्रबंध तुम ही संभालोगे हैं? अनुज तुम्हारा साथ देगा, ठीक है?
धीरे धीरे बिमलेश ने अपने दोनों भाइयों को भी विश्रामशाला के काम में लगा दिया। समय बीतता गया। विमलेश के बाल भी अब सफेद हो चुके थे। चलिए। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। भैया, मैं सोच रहा हूँ कि विश्रामशाला के लिए एक और भोजनालय की आवश्यकता होनी चाहिए। मैं इसका प्रबंध अनुज को देना चाहता हूँ। विमलेश खुश था क्योंकि अब उसके दोनों भाई भी अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। समय बीतता गया और विमलेश के भाइयों ने उसकी सलाह पर चलते हुए विश्रामशाला के काम भी संभाले और बढ़ाए भी। लेकिन विमलेश को इंतजार था उस संकट का जो यमराज उसे आने से पहले देने वाले थे। चले, चलने का समय हो गया। प्रभु, आप? प्रभु नहीं भैया, मैं हूँ। आपको हमारी नई विश्रामशाला का उद्घाटन करने जाना है ना? वो तो मैं भूल गया था अनुज। चलो भैया। विमलेश के जीवन की सांझ होने आई थी, लेकिन जीने का मोह इंसान को अंतिम समय तक नहीं छोड़ता। सो विमलेश के साथ भी ऐसा ही था। चलो विमलेश, पृथ्वी लोक पर तुम्हारा समय पूरा हुआ, तो अब चलें। अनुज। इस बार अनुज नहीं, मैं हूँ यम। प्रभु, आपने तो कहा था कि आप आने के संकेत देंगे। मैंने संकेत दिए थे विमलेश। तुम्हारे बालों का सफेद होना, तुम्हारी कमर का झुकना, वृद्धावस्था में तुम्हारे दांतों का टूटना, ये सब मेरे ही आने के संकेत थे। परंतु ये तो सभी को मिलते हैं ना प्रभु? हाँ, इसीलिए तो गुणीजन इस समय की तैयारी करके रखते हैं, जैसे तुमने की। मैं देख रहा था तुमने अपने भाइयों को अपने काम में निपुण बना दिया है। अब वो भी देखभाल और लोगों की सेवा खुद कर सकते हैं। विमलेश को महसूस हुआ कि अनजाने में उसने उस दिन यमराज के कहने पर अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला था। अपने भाइयों को इस लायक बनाया था कि वो उसके जाने के बाद भी परिवार की देखभाल कर सके। अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। उसने हंसी खुशी यमराज के साथ पृथ्वी लोक को अलविदा कहा। चार मौसम और दिन रात को मिलाकर छह भाई थे। दिन और रात ने तो अपने समय का बंटवारा कर लिया, लेकिन चारों मौसम में इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन बेहतर है। फिर अग्निदेव ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं ना रहूं तो फसल ही ना हो, लोग भूखे बेहाल हो जाएं। अब बारी आई शीत देव। नहीं भैया, मेरे कारण जब सर्दी पड़ती है तब फसल होती है। इंद्रदेव से ये सब नहीं देखा जा रहा था, तब उन्होंने भी अपनी शक्ति दिखाई। भैया, फसल मेरे बारिश कराने से होती है। सबसे छोटे वरुण देव भी किसी से पीछे थोड़ी न थे। भैया, मैं जब चलता हूँ तब बादल आते हैं, फिर बारिश होती है और फिर फसल। कौन सा मौसम बेहतर है ये लोगों के अलावा और कौन बता सकता था? इसीलिए चारों देवता विजयनगर आए। मौसम में मौसम है गर्मी का पाई पाई जोड़ के। सुना तुम लोगों ने, विजयनगर वासी कितना चाहते हैं मुझे।
एक के कहने से क्या होता है भैया? ये तो सही कहा सेठ, देखो तो गर्मी में खूब आम होते हैं, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। फैसला हो चुका था, विजयनगर वासियों को अग्निदेव के सहारे छोड़कर बाकी भाइयों ने विदा ली। कितनी गर्मी है, पाई पाई छोड़ के लगता है आग बरस रही है। अरे मेरे सारे आम सूख कर तो खराब हो गए, इस बार की गर्मी ने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। हाय गर्मी, पानी, कोई पानी पिला दो। ये गर्मी है या बला, कब टलेगी? इस गर्मी ने रूई जला दी। हे भगवान, इस गर्मी से बचाओ, बारिश दो। लोग तुम्हें नहीं भैया, मुझे चाहते, और इनकी प्रार्थना तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। और फिर इंद्रदेव ने अपनी कृपा बरसाई। बारिश आ गई, चलो गर्मी से तो राहत मिली पाई पाई छोड़ के। ओफ, ये बेमौसम बारिश तो मुझे मूर्ति ही नहीं बनाने देगी। जरूरत से ज्यादा तो कोई चीज अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। ये कौन सी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले पाई पाई छोड़ के। इससे अच्छे तो ठंड है, मेरा कपास बिकता है। हाँ सही कहा, और मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े धोने के लिए आते हैं, धो धो के। कब आएगी ठंड? भैया विजयनगर के लोग आपको नहीं मुझे चाहते हैं। बस फिर क्या था, शीत देव ने पूरे विजयनगर पर ठंड की चादर फैला दी। का मौसम आया है पाई पाई छोड़ के, इसी का तो इंतजार था मुझे। ठंड में भूख लगती है और मेरा अनाज बिकता है। चिरोजी काका, ये रजाई जल्दी बना देना। थोड़ा वक्त लगेगा, इस बार बेमौसम बड़ी तेज की ठंड आई है। झुलसती गर्मी और बरसती बारिश से तो अच्छा ही है ना। सुना तुम लोगों ने। ये पानी है या बर्फ, धो धो के। ये कैसी रजाई बनाई है, इससे तो ठंड जाती ही नहीं। अरे जो ठंड आग से नहीं जा रही वो रजाई से जाएगी क्या? रोज दुकान खोलकर किसका इंतजार करते हो? ठंड ने सबको बीमार कर दिया है, लोग वैद्य जी की दवाई खाएंगे या तुम्हारा अनाज। पाई 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 जोड़ के, ये सारे मौसम मुझे बर्बाद करके रहेंगे। इस ठंड ने तो मेरी हालत भी खराब कर दी, इतने लोगों के लिए दवा कहाँ से बनाऊं? कल आना। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से दवाई भी नहीं, हे भगवान बचाओ। तो शीत देव को समझ आ गया कि यहाँ उनकी दाल भी नहीं गली है। अब बारी सबसे छोटे वायुदेव की थी। देख लिया भैया आप लोगों ने, आप तीनों नहीं चाहिए, विजयनगर वासियों अब मेरी बारी। क्या बढ़िया हवा है, क्या मौसम है धो धो के, आज तो कपड़े धोने में मजा आ जाएगा। अरे नहीं, मेरे कपड़े धो धो के, मेरे कपड़े। अरे ये क्या मुसीबत है, अरे अरे मेरे पैर,
देव के आने से भी विजयनगर वासी खुश नहीं हुए। लोगों ने इस नई आफत से भी बहुत ही जल्द हाथ जोड़ लिए। गुरुजी, अब आप ही कोई उपाय बताओ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों से। मौसम ने हाल बेहाल कर रखा है पाई पाई जोड़ के। मेरा भी बहुत नुकसान हो गया गुरुजी। ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम के देवता आपस में लड़ रहे हैं। देवता होकर उन्हें सोचना चाहिए, उनके झगड़े में नुकसान हमारा हो रहा है। लड़ाई हमेशा खुद को एक दूसरे से बेहतर सिद्ध करने के लिए होती है। अगर वो ये जान ले कि लोगों को उनका एक दूसरे से बेहतर होना नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ होना पसंद है, तो ये लड़ाई ही खत्म हो जाए। गुरुजी की बात सुनकर चारों देवों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सही भी था, बारिश का मजा गर्मियों के बाद ही आता है। जैसे सर्दियाँ बारिश के साथ है, हवा गर्मी में चले तो राहत देती है, बारिश में बादलों को फैलाती है ताकि हर जगह एक सी बारिश हो, और उसके बाद मौसम का मिजाज कभी नहीं बदला। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.